उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में बच्चियों को एक दिन के लिए अधिकारी बनाया गया। कारण क्या था? उनके अंदर एक आत्मविश्वास चके। सरकार की योजना बड़ी अच्छी रही और महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार स्थित प्रेमलाल सिंघानिया कंडा इंटर कॉलेज की दो बच्चियों को भी जिले में एक एक दिन के लिए अधिकारी बनाया गया था। हम हैं असलम सिद्दीकी और हम पहुँचे हैं आज सिसवा बाजार के प्रेमलाल सिंघानिया कन्या इंटर कॉलेज में उन बच्चियों से बात करने के लिए कि जब वो एक दिन के लिए अधिकारी बनी तो कैसा लगा, आगे वो क्या करना चाहेंगे। यूपी अब तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको जिले में एक दिन के लिए अधिकारी बनाया गया, कैसा लगा? उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे जिले में एक दिन के लिए पद पर बैठाया गया था और मैं उस दौरान बहुत खुश थी। और उसका स्पेशली मैं उसका क्रेडिट अपने प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी और उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे उस योग्य समझा। और साथ ही साथ उन अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने एक दिन के लिए अपने पद पर मुझे बैठाया था। उस दौरान मैं बहुत खुश थी और साथ ही साथ बहुत उत्साहित भी हुई। आधिकारिक रूप में क्या आपने कार्य किया? जिले में जब ये योजना चलाई गई थी तो उस दौरान बाल संरक्षण अधिकारी मोहम्मद जाकी अहमद बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर मुझे बैठाया गया था, लेकिन पद मिलने से पूर्व बाल संरक्षण अधिकारी मोहम्मद जाकी अहमद ने उस पद के बारे में और उससे संबंधित सभी कार्यभार के बारे में मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। और पद पर बैठने के दौरान मैं उन्हीं के विचार विमर्श और उन्हीं के नेतृत्व में अपना कार्यभार संभाला। और जो भी मैं जब उस पद पर बैठी थी उस दौरान कई फाइलें आई थी जिसको मैंने उनके नेतृत्व में ही उनके विचार विमर्श की सहायता से ही अपने हस्ताक्षर करके उनका निस्तारण किया था। और मुझे उस दौरान बहुत ही खुशी हुई थी और बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। आगे क्या आप योजना है, क्या बनने? वैसे तो मैं साइंस विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ, मेरा स्ट्रीम PCM है, लेकिन मैं पहले से ही IAS अधिकारी बनना चाहती थी। लेकिन मैं प्रशासनिक कार्य मैंने पहले कभी किया नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे मौका मिला और मैंने प्रशासनिक कार्य किए तब मुझे मेरा लक्ष्य और भी मजबूत हुआ। और मैं बस उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं IAS अधिकारी बनूंगी और मुझे बनना भी है और मैं बनकर IAS अधिकारी देश की सेवा करना चाहती हूँ। दूसरी छात्रा सौम्या भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वो भी एक दिन के लिए जब अधिकारी बनी तो कैसा लगा और आगे वो क्या बनना चाहेंगी? आप एक दिन के लिए जिले में अधिकारी बनी, कैसा लगा आपको और कौन सा अधिकारी बनी? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मुझे इस पद पर एक दिन के लिए बैठाया गया। मैं जिला विधि सेवा परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत रही एक दिन के लिए। तो कौन सा काम आपने किया जब कुर्सी पर आप बैठे? मैं विधि सेवा परीक्षा अधिकारी श्री मनु श्रीवास्तव के पद पर बैठी थी। मैंने उन्हीं के कार्यभार को संभाला और उन्हीं के नेतृत्व में मैंने अपना कार्य किया। उन्होंने मुझे उस पद से संबंधित सभी कार्यों के बारे में बताया और मैंने उनसे अपने विचार विमर्श किए। उन्होंने मुझे कई बातें बताईं और उस समय आने वाले सभी पत्रों पे मैंने हस्ताक्षर किए तथा अपने विचार विमर्श किए और उन्हें पास किया। आगे क्या बनने की योजना आपकी है? वैसे तो मैं जीव विज्ञान की छात्रा हूँ और मेरा आगे चल के डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन उस दिन एक दिन उस पद पर बैठ के मुझे महसूस हुआ कि प्रशासनिक कार्य बहुत ही अच्छा और मैं आगे चल के इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहूँगी और इससे भी बड़े पद को प्राप्त करना चाहूँगी और पूरे देश की सेवा करना चाहूँगी। इस विद्यालय की दो छात्राओं को जिले में एक दिन के लिए अधिकारी बनाया गया। हम बात कर रहे हैं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती शशिकला सिंह जी से कि उन्हें कैसा लगा कि उनके विद्यालय की दो बच्चियाँ जिले पर एक दिन के लिए अधिकारी बनाई गई। बड़ी खुशी की बात है कि आपके विद्यालय की दो बच्चियों को जिले पर एक दिन के लिए अधिकारी बनाया गया, कैसा लगा? असलम भाई, बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे जिले पर जाकर अधिकारी का पद ग्रहण किए। बेहद खुशी हुई जब उनसे मैं वार्ता की, उनसे उनके उत्साह को जब मैंने देखा, इतनी उत्साहित थी कि उनके उत्साह से मेरे अंदर भी उत्साह आ गया और इस बात से अंतरतम से प्रशंसा निकला, धन्यवाद निकला जिले के उन आला अफसरों के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बच्चियों को विशेषकर अपनी कुर्सी को दिया, अपने पदभार को दिया और उनको एक प्रशासनिक अधिकारी का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चे बेहद उत्साहित थे और उस कार्य को करके इतनी
एनर्जी उनके अंदर थी कि वो मुझे बता रहे थे कि मैम मैं निश्चित रूप से एक आईएएस अधिकारी बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद करना चाहूंगी प्रदेश सरकार को, जिन्होंने बालिकाओं के सम्मान के लिए, बालिकाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इतनी अच्छी योजना का संचालन किया। मैं अखबारों में, न्यूज़ चैनलों से सुन रही हूँ कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है बेटियों को, उसी के तहत जिले में अधिकारी के पदों को दिया गया था। बच्चियाँ बहुत उत्साहित हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है। और जो प्रदेश सरकार की योजना है मिशन शक्ति, जिसमें प्रदेश सरकार का एक मोटो है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, इससे इस जो पद पर एक दिन के लिए बैठाया जा रहा है, इससे उस योजना को बहुत बड़ा बल मिल रहा है, जिस नारी के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन उनके मन में आ रहा है और वह अच्छे पदों को प्राप्त करके देश की सेवा करने का जज्बा जगा हुआ है। इसके लिए मैं एक बार पुनः प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और यूपी अब तक को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इस कार्य, ये बच्चों के भाव को जनता तक पहुंचाने के लिए कि अन्य बच्चियां भी उत्साहित हों इससे और वो भी देश की सेवा के लिए अपना योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी अब तक को भी।